हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैम गुड गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन अबाउट गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम आल्सो फाइन। थैंक यू मैम। नमस्ते बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट सिंगुलर एंड प्लुरल नंबर्स इन ग्रामर जंक्शन। ओके, ग्रामर जंक्शन में आज हम सभी लोग सिंगुलर एंड प्लुरल नंबर रीड करेंगे के बारे में जानेंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए आप लोग बताइए हमें, सिंगुलर मींस क्या होता है, प्लुरल मींस क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को? सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन को एक वचन। गुड। और प्लुरल नाउन को क्या बोलते हैं? बहुवचन। ओके, तो सिंगुलर नाउन होता है मीन्स एक वचन, प्लुरल नाउन मीन्स बहुवचन। कौन सभी लोग इसको रीड करेंगे ग्रामर जंक्शन में सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन के बारे में, इसको क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। लाइन कुछ राइट की गई जो कि आई है, इस लाइन को पढ़ते हैं। क्या लाइन यहाँ पे है? द ग्रेट ड्रॉप्स रेन डाउन द ग्लास इन स्ट्रीम्स ऑफ द थ्री फ्रेंड्स वेंट रनिंग अप द वुडन स्टेयर्स विद देयर नॉइजी फीट। द ग्रेट ड्रॉप्स रेन डाउन द ग्लास इन स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द वर्ड्स ड्रॉप्स स्ट्रीम्स, बेटा माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है तो इसका माइक ऑफ होना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, माइक ऑन होगा फिर आवाज जाएगी, समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, द वर्ड्स ड्रॉप्स, आपने यहाँ पे वर्ड देखा ड्रॉप्स, स्ट्रीम देखा, फ्रेंड्स देखा एंड स्टेयर्स। ध्यान देना, ड्रॉप्स, स्ट्रीम, फ्रेंड्स एंड स्टेयर्स, ये कैसे वर्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बताइए, ड्रॉप्स लिखा हुआ है, स्ट्रीम, फ्रेंड एंड स्टेयर्स आर इन द प्लुरल फॉर्म। ये नाउन का प्लुरल फॉर्म है, मीन्स ये बहुवचन। ठीक है, ओके, नाउन का प्लुरल फॉर्म है, मीन्स ये बहुवचन है। ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, स्ट्रीम मीन्स झरने, फ्रेंड्स क्या होगा? दोस्त है, दोस्तों क्या होता है? दोस्तों नहीं होगा, दोस्तों होगा, दोस्त का दोस्तों होता है। ठीक है, यस मैम। ऐसे मित्र का मित्र होगा, मित्र नहीं होगा, मित्र बोलोगे रॉन्ग हो जाएगा, मित्र का मित्रों होता है, दोस्त का दोस्तों, या फ्रेंड्स है मीन्स दोस्तों एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स बोलिए सीढ़ियों, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों, सीढ़ियों। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड्स है ड्रॉप्स, स्ट्रीम, फ्रेंड्स एंड स्टेयर्स आर इन द प्लुरल फॉर्म, ये प्लुरल फॉर्म में मीन्स बहुवचन में है। ओके, कई सारे नंबर में है ना, ड्रॉप्स बूंदे हो गई बारिश की, स्ट्रीम झरने हो गए, फ्रेंड्स दोस्तों, यहाँ पे स्टेयर्स सीढ़ियों। देन व्हेन अ नाउन रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इट इज सिंगुलर नाउन। ओके, व्हेन अ नाउन, कोई नाउन वर्ड्स है, संज्ञा शब्द है, रिफर्स मीन्स व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? टू अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन को दिखाता है, शो करता है, किसी एक व्यक्ति को, वन प्लेस, किसी एक प्लेस, वन एनिमल, कोई एक एनिमल और थिंग या कोई एक थिंग। ठीक है, यदि कोई नाउन जो है, कोई संज्ञा शब्द नंबर, किसी एक नंबर को दिखाता है, या पर्सन का नंबर हो, या कोई प्लेस का नंबर हो, या एनिमल का नंबर और थिंग्स का नंबर हो, तो अगर नाउन जो रिफर करता है व्यक्त करता है, मीन्स व्यक्त करना होता है, यदि नाउन वर्ड जो है व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? टू अ सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति को दिखाता है, या किसी एक प्लेस को दिखाता है, किसी एक एनिमल को दिखाता है, किसी एक थिंग को दिखाता है, तो वहां पे क्या होता है? इट इज अ सिंगुलर नाउन, उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, मीन्स एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वचन, एक वचन मीन्स सिंगुलर नाउन। ओके, इसको आप लर्न कर लेंगे,
when a noun refers to a single person, place, animals or things, it is a singular noun. यदि कोई noun है जो कि किसी एक person को दिखाता है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक place को, किसी एक animal को, किसी एक things को, तो वहाँ पे उसे हम singular noun बोलते हैं. खुशाल आवाज जा रही है बेटा. ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes ma'am. ओके बेटा. When a noun refers to more than one person, ये noun जो word है वो दिखाता है किसको? More than one person, एक व्यक्ति से उसका number ज़्यादा बताता है. More than one person, किसी जैसा person के बारे में बताता हो, किसी place के, कई सारे place के बारे में, animals and things के बारे में, तो वहाँ पे plural form होता है, means वहाँ पे बहुवचन होता है. ठीक है, ये noun जो है one मोर देन वन पर्सन को शो करता है, या प्लेस को शो करता है, एनिमल को शो करता है, थिंग्स को शो करता है, तो वहाँ पे प्लूरल फॉर्म होता है, मीन्स नाउन का वो बहुवचन होता है. सबको आ समझ में? अब आप सभी लोग मुझे 5 एग्जाम्पल दीजिए, 5 एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन के, 5 एग्जाम्पल प्लूरल नाउन के, सभी को देने वन बाई वन. ठीक है, पहले स्टार्टिंग करते हैं उन्नति से. चलिए उन्नति माइक ऑन करिए, 5 एग्जाम्पल दीजिए सिंगुलर नाउन, 5 प्लूरल नाउन, उसी का प्लूरल बना के बताना. आपको सिंगुलर नाउन बताइए 5, फिर उसी का प्लूरल फॉर्म बनाना है उसी नाउन का. मैम चेयर. चेयर का प्लूरल क्या होगा? मैम चेयर्स. आगे लॉकर. लॉकर्स. स्टूल. स्टूल्स. स्टूल्स, गुड. सोफा. सोफास. ओके गुड. चलिए आप बताइए बेटा हर्षित. हर्षित आप बताइए, 5 एग्जांपल लीजिए. यस मैम. 5 एग्जांपल लीजिए. मैम पेंसिल. मैम पेंसिल्स. और मैम मैंगो. मैंगोस. मैंगोस, गुड. मैम एप्पल्स. मैम एप्पल्स. एप्पल का एप्पल्स. ओके आगे मैम. मैम ट्री का. मैम ट्रीज. ट्री का ट्री. चलिए अभिनव आप बताइए बेटा. अभिनव मैम बॉय. बॉय. गर्ल. गर्ल. मैम इरेजर. इरेजर्स. इरेजर. इरेजर्स. आगे मैम ट्री. ट्री का ट्री. चलिए बेटा आप बताइए. रमा तिवारी. मैम चेयर. चेयर्स. मैम एप्पल. एप्पल्स. ब्रश. ब्रशेस. मैम 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 शार्पनर. शार्पनर. ओके स्टॉप बेटा. शिवम चलिए आप बताइए. शिवम माइक ऑन करिए. मैम मैम मैंगो. मैम मैंगोज. मैम काऊ. मैम मैम काऊ. मैम काऊज. काऊ. काऊज. मैम बॉटल. बॉटल्स. बॉटल का बॉटल. और बेटा मैम. मैम टेबल. मैम टेबल्स. टेबल का टेबल्स. यस मैम. चेयर का चेयर्स. चेयर का चेयर्स. मैम बुक्स का बुक्स. बुक का मैम बुक्स. बुक्स. ओके स्टॉप बेटा. गुड. चलिए आप बताइए. परी माइक ऑन करिए. आप 5 एग्जांपल दीजिए सिंगुलर नाउन के, प्लूरल नाउन के. मैम मॉनिटर का. मॉनिटर्स. मॉनिटर्स. और मैटी का. कीज. और कंचन जी आप बताइए. कंचन. मैम मैम बुक. मैम बुक्स. मैम टेबल. मैम टेबल्स.
मैम क्लॉक, मैम क्लॉथस, मैम 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 सोफा, मैम सोफा, मैम मैम बैग, मैम बैग। ओके स्टॉप बेटा। काजल आप बताइए बेटा। काजल मैम फ्रूट, मैम फ्रूट, मैम ब्रदर ब्रदर्स, मैम बेबी बेबीज, मैम टेबल टेबल, मैम गेम गेम। ओके गुड। चलिए आप बताइए बेटा। सिद्धेश वेदांत बोले बेटा, बेटा जल्दी से वेदांत। अभी आप बताओ बेटा। अभी मैम पेपर का पेपर से, मैम टी का टी से, मैम सूप का सूप से, मैम पेन का, मैम पेंस, मैम रिबर का रिबर्स, ठीक है बेटा, मैम सैंड का सैंड। गुड गुड। चलिए आप बताइए बेटा। खुशहाल खुशहाल माइक ऑन करिए। बुक्स मैम, बुक्स मैम, टेबल मैम, टेबल्स मैम, बैग मैम, बैग्स मैम, शॉपनर मैम, शॉपनर्स। ओके बेटा। चलिए आर्यन आप बताइए। आर्यन वर्मा माइक ऑन करिए। आर्यन एक ही बार नेम लेंगे, दोबारा नेम नहीं लेंगे, नहीं बताओगे तो पूछेंगे नहीं कुछ आपसे फिर। आर्यन वर्मा, स्वाति, अमन गुप्ता, चले लोगों को आवाज नहीं जा रही है। खुशी आप बताइए। मैम मैम पेन का पेंस, मैम का, मैम कैट का, मैम कैट्स, मैम बॉक्स का, मैम बॉक्सेस, मैम गर्ल, मैम गर्ल्स का बॉयस, बॉयस, मैम गर्ल्स का गर्ल्सेस, मैम गर्ल्सेस नहीं होगा बेटा, गर्ल्स का गर्ल्सेस नहीं होता, गर्ल का गर्ल्स होगा, गर्ल्सेस नहीं। मैम गर्ल्स का गर्ल्स, मैम गर्ल्स का ग्लास का ग्लासेस होगा, ठीक है। मैम क्लॉक का, मैम क्लॉक, मैम क्लॉक होगा। ओके स्टॉप, चलिए हो गया। अभी हम इसका रूल देखेंगे कि हम प्लुरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन का प्लुरल नाउन कैसे बनाया जाता है, इसका कुछ रूल है, कुछ नियम है, जैसे आपके हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी नियम होते हैं, रूल होते हैं प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए। ओके, जिसको आप सभी लोग क्लास सेकंड में पढ़ भी चुके हो, चैप्टर 11 में था, क्लास सेकंड में था ना, चैप्टर 11 में। तो आपको इसमें रिवाइज करना है, अभी आपको अच्छे समझ में और आ जाएगा, अभी एक बार और पढ़ लोगे आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे रूल क्या होता है। रीड एंड लुक द वर्ड्स इन द बोल्ड, यहाँ पे जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस में जो वर्ड बोल्ड है उसको आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। ऑन द अदर देश दे सिट नेक्स्ट टू अ स्वीट स्मेलिंग रोज बुश, द रोज बुश इज नूरीज फेवरेट अमंगस्ट ऑल द अदर बुशेज इन द गार्डन। ऑन अदर डेज, जो बच्चे थे वहां प्ले कर रहे थे, बारिश का दिन था ना, उसके बाद से दूसरे दिन क्या होता है, लिखा हुआ ऑन अदर डेज, दूसरे दिनों क्या होता है, दिनों में क्या होता है, दे सिट, वे बैठे थे यहाँ पे, नेक्स्ट टू अ स्वीट स्मेलिंग रोज बुश, वहां पे रोज बुश थी, मीन्स जो रोज के जो पेड़ होते हैं उसको हम बुश बोलते, झाड़ी बोलते हैं, ठीक है, रोज बुश, क्योंकि वह झाड़ी के समान एक साथ होता है ना, जैसे झाड़ी दिखती है वैसे ही रोज बुश होता है,
मतलब गुलाब की झाड़ी उसको बोलते हैं, तो उसके किनारे बैठे हुए थे। उसकी जो महक थी बहुत ही अच्छी महक, मीठी महक आ रही थी, उस रोज की जो महक थी मीठी आ रही थी। द रोज बुश, जो रोज का बुश था, जो गुलाब की झाड़ी थी, नूरीज फेवरेट अमोंगस्ट ऑल द अदर बुशेज इन द गार्डन। गार्डन में जितने भी बुशेज थे, जितने भी झाड़ियां थी, उन झाड़ियों में जो रोज की झाड़ी थी वह नूरी का, नूरी को बहुत ही पसंद था। नूरी का जो फेवरेट बुश था कौन सा बुश, रोज बुश। कहाँ किसमें, जो दूसरे बुश थे कहाँ पे, गार्डन बगीचे में जो और भी जो झाड़ियां थी, बुशेज थी, उन सभी बुशेज में जो रोज बुश था उसको ज्यादा पसंद था नूरी को। देर आर लॉस्ट ऑफ बॉक्सेज इन द स्टोर रूम, यहाँ पे स्टोर रूम में अधिक बॉक्सेज है, डिब्बे हैं। चूज अ स्मॉल बॉक्स टू कीप द पिक्चर, एक बॉक्स चूज, छोटा सा बॉक्स चूज करना है, उसमें पिक्चर रखना है। यहाँ पे देखना बुश लिखा हुआ है, बुशेज लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्सेज लिखा हुआ है। मीन्स बुश का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बुशेज होता है। बुश मीन्स झाड़ी, बुशेज मीन्स झाड़ियां। ओके, बुश मीन्स झाड़ी होगा, बुशेज मीन्स झाड़ियां, बुश बुशेज, बॉक्स मीन्स एक डिब्बा, बॉक्सेज मीन्स कई सारे डिब्बे को हम बॉक्सेस बोलेंगे। बॉक्स मीन्स डिब्बा, बॉक्सेज मीन्स डिब्बे। नेक्स्ट, डे मीन्स दिन होता है, डेज मीन्स दिनों होता है। अगर डे है तो मिस एक दिन, और डेज है मिस दिनों। डे मिस दिन, डेज मिस दिनों होता है। दिन नहीं, आप दिनों बोलोगे। देन व्हेन बी चेंज अ सिंगुलर नाउन, अब यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, व्हेन बी चेंज अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल, यदि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, द स्पेलिंग ऑफ द प्लूरल नाउन चेंजेस, जो स्पेलिंग होती है प्लूरल नाउन की वो चेंज होती है बेस्ड ऑन द लास्ट लेटर, किसके आधार पे, लास्ट लेटर के आधार पे चेंज होती है। ठीक है, बेस्ड मीन्स आधार होता है, चेंज में बदलना होता है। तो जो नाउन वर्ड्स है उसका हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना है, तो आज जो है किसके आधार पे चेंज होती है, लास्ट लेटर के आधार पे, किसके, ऑफ द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर होता है, मीन्स एक वचन का जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट अंतिम शब्द जो वाक्य अक्षर होता है उसका, देखिए उसी से हम उसको बदलते हैं। मीन्स जो लास्ट लेटर है, सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर है, उसी के आधार पे हम उसका प्लूरल नाउन बनाते हैं। ओके, सबको आया समझ में? रूल देखते हैं, रूल नंबर वन क्या है। यहाँ पे रूल नंबर वन लिखा हुआ है, फॉर मोस्ट नाउन, अधिक नाउन में क्या ऐड करते हैं, जस्ट ऐड एस, क्यों एस ऐड, एस ऐड कर देते हैं एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के एंड में, मीन सिंगुलर नाउन जो वर्ड है उस वर्ड के एंड में हम एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसे क्यों एस ही ऐड किया जाता है। ओके, ऐसे कई सारे नाउन वर्ड्स हैं, सिंगुलर नाउन के वर्ड्स हैं जिसमें केवल एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, बहुवचन में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन में काऊ है, काऊ में लास्ट में एस ऐड कर दें, काउज बन जाता है। ठीक है, काऊ का काउज। देन बुक का क्या होता है, मैम बुक्स, बुक्स होता है। बोतल का, बोतल्स। टेबल का, टेबल्स। पर्स का, पर्सेस बोलेंगे बेटा इसको। कुकी का, कुकीज। कुकी का कुकीज। रेनकोट का, रेनकोट। रेनकोट का रेनकोट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट रूल आपका हुआ कि ऐसे कई सारे नाउन वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर नाउन, जिसमें प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए केवल एस ऐड कर देते हैं। सेकेंड रूल क्या है, फॉर नाउन्स, ऐसे कई सारे नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट इन, जिसका एंड होता है किससे, ओ से, एस से, एक्स से, सी एच से या एस एच से, एड ई एस, तो वहां पे हम क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। कहाँ पे, जिस नाउन का एंड, मीन्स जिस सिंगुलर नाउन का एंड जो किससे होता है, ओ से हो या एक्स से हो
या एक्स से हो या सी एच से हो या एस एच से हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लास्ट में ई एस ऐड करेंगे, ठीक है? यस। आगे फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन देन प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में लिखा हुआ टोमेटो, टोमेटो में लास्ट लेटर क्या है बेटा? ओ है बेटा। तो ओ में हम ई एस ऐड करेंगे, तो उसको रीड क्या करेंगे? टोमेटोज। ओके, टोमेटो का टोमेटोज होगा, टोमेटो का टोमेटोज होगा। देन गैस, गैस में लास्ट में देखिए एस है, जहां भी एस होता है जहां भी ओ होता है वहां पे हम ई एस लिखेंगे। गैस का गैसेज, गैस का क्या होगा? गैसेज। फॉक्स का, फॉक्स में देखिए एक्स लिखा हुआ है, एक्स होगा लास्ट में ई एस ऐड करेंगे, फॉक्स का फॉक्स हो जाएगा। चर्च सी एच है, जहाँ भी सी एच होता है हम ई एस ऐड करते हैं, चर्चेज हो जाएगा। विश एस एच है, ई एस ऐड करेंगे, विशेज हो जाएगा। ओके कुशाल आवाज जा रही है ना? स्वाति वीडियो ऑन करिए, अमन गुप्ता ऑन द वीडियो। तो सेकंड रूल सभी को आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। बताइए हमें सेकंड रूल में क्या होता है? अभी पांडे बताएंगे सेकंड रूल में क्या होता है। लास्ट में ईएस ऐड करना होता है सिंगुलर प्लूरल वर्ड में। अरे लास्ट में ईएस किस वर्ड का के लास्ट में ऐड करेंगे ईएस हम? टोमेटोज नहीं, की टोमेटोज भी होगा, जहाँ भी ओ हो लास्ट में, किसी कोई भी वर्ड सो नाउन, जहाँ भी ओ हो लास्ट में, लास्ट लेटर ओ हो, चाहे जो टोमेटो को छोड़ के कोई और भी वर्ड हो सकता है जिसमें लास्ट में कुल ओ हो, और या तो एस हो या तो ओ हो या तो एक्स हो या सी एच हो या एस एच हो, तो वहां पे हम ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोमेटो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ऐड कर दें, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे फिर हम इसका? मैम पोज, मैम पोटैटो। अब यहाँ भी लास्ट में ओ है ना, इसलिए इसका भी पोटैटोज लिखेंगे, मीन्स यहाँ भी ई एस ऐड करेंगे, ठीक है? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैस लिखा हुआ, लास्ट में एस है, तो गैस का गैसेज होगा। ऐसे यहाँ पे फॉक्स है, अगर बॉक्स होता तो बॉक्स का बॉक्सेज होता, फॉक्स का फॉक्सेज होगा। चलिए आगे देखते हैं, सबको इधर समझ में आ गया? यस मैम। कि कहाँ पे हम ई एस ऐड करते हैं? चलिए बेटा आप बताइए उन्नति, हम ई एस कहाँ पे ऐड करते हैं? उन्नति बताएंगी अब बेटा, ई एस हम कहाँ पे ऐड करेंगे? मैम यहाँ पे ओ एक्स एस एस एच सी एच, जिस नाउन के इंड में, ऐसे बोलो कि सिंगुलर नाउन के इंड में अगर ओ हो या एस हो या एक्स हो या सी एच हो या एस एच हो, तो उसके उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में ई एस ऐड करते हैं। ओके okay? यस yes. कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अगर उसका लास्ट लेटर जो है, इंडिंग लेटर जो होता है, अगर एस हो या ओ हो या एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसके लास्ट में ई एस ऐड करेंगे। इतना आप लोग लर्न कर लेंगे, ओके? यस मैम। क्योंकि हमेशा के लिए आपके काम आएगा, आपको हमेशा लर्न रहेगा, तो कभी भी आपको कोई भी वर्ड दिया जाए चेंज करने के लिए आप चेंज कर ले जाओगे। ओके चलो आगे देखते हैं, थर्ड रूल क्या है? फॉर नाउंस दैट इंड इन अ कंसोनेंट प्लस वाई, ध्यान देना। फॉर नाउंस दैट इंड इन अ कंसोनेंट प्लस वाई, द प्लूरल इज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द वाई विथ आई एस। अगर कोई नाउन वर्ड्स हो, अगर उसका इंड किससे हो रहा हो? कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट हो, साथ में क्या हो? वाई हो, कोई कंसोनेंट लेटर के बाद वाई लेटर हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम वाई के प्लेस पे आई ई एस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं?
वाई के प्लेस पे आई ई एस कब लिखेंगे? नाउन वर्ड्स जो है, जो नाउन का इंड किससे हो रहा हो, कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट के पास वाई आ रहा हो, वाई भी कंसोनेंट ही है, तो अगर कंसोनेंट लेटर है, अगर उसके साथ वाई आ रहा हो लास्ट में, तो उस वाई को हटा के हम आई एस ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। सी मैम आवाज जा रही है? यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल आर्मी लिखा हुआ है, आर्मी में देखिए एम आपका कंसोनेंट है, एम के बाद वाई आया है ना? यस मैम, यस मैम। तो वाई के प्लेस पे हम क्या ऐड कर देंगे? आई ई एस लिख देंगे, मीन्स आर्मीज बन जाएगा, आर्मी का आर्मीज क्या होगा ये? आर्मी का आर्मी। और ऐसे एक और एग्जांपल लेडी, लेडी में लास्ट में देखिए यहाँ पे डी है, डी के साथ वाई है, डी के साथ क्या आया है? वाई, वाई आपका कंसोनेंट है, इसलिए देखिए कंसोनेंट के साथ वाई आ रहा हो तो ई एस ऐड करेंगे, आई ई एस। तो यहाँ पे लेडी का लेडीज हो जाएगा, मीन्स वाई को हटा देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे, लेडीज बन जाएगा। ओके कंचन आवाज जा रही है ना? यस मैम। अब देखिए नंबर फोर, फोर्थ रूल क्या है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए? फॉर नाउंस दैट एंड इन अ वॉवेल, अभी यहाँ पे था जिसका एंड कंसोनेंट से हो रहा हो, वाई से हो रहा हो, अब यहाँ पे देखिए वॉवेल प्लस वाई, अभी कंसोनेंट प्लस वाई था ना ऊपर, अभी आपका वॉवेल प्लस वाई है, अगर कोई कोई भी नाउन वर्ड हो उसके इंड में वाबिल के साथ वाई आ रहा हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? क्यों एस ऐड करेंगे? क्यों एस ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कीज, कीज में देखिए की में वाई के साथ क्या है? ई है, जो कि वाबिल वर्ड है। ओके तो इसलिए हम वाई को हटाएंगे नहीं, यहाँ पे एस राइट कर देंगे प्लूरल फॉर्म में, कीज हो जाएगा। यहाँ पे किसको हटा दिया गया था ना, वाई को? यस मैम। तो यहाँ अगर कंसोनेंट वाई जो है कंसोनेंट के साथ आ रहा हो तो वाई को हटा के आई एस लिखेंगे, अगर वाई के साथ वॉवेल आ रहा हो तो वाई को हटाएंगे नहीं हम, क्यों लास्ट में एस राइट कर देंगे। जैसे की का कीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, मंकी में देखिए वाई है प्लस ई है साथ में, इसलिए वहां पे हम मंकीज एस राइट कर देंगे, मंकीज बन जाएगा। ऐसे डंकी है, डंकी का डंकीज होगा, ठीक है? यस। खुशहाल बेटा पढ़ नहीं रहे हो, सही से बैठिए। यस मैम। सिद्धेश समझ में आ रहा है बेटा आपको? कोई भी रूल जो समझ में आए तो आप फिर से पूछना, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए नंबर फिफ्थ रूल क्या है, फोर रूल हो गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव देखते हैं। फॉर नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, ऐसे नाउन वर्ड्स जिसका एंड किससे हो रहा हो, एफ से या एफ ई से हो रहा हो, या एफ हो लास्ट में या तो एफ ई हो लास्ट में, रिप्लेस द एफ, तो एफ को रिप्लेस कर देंगे, मीन्स उसके स्थान पे हम क्या राइट कर देंगे, वी राइट कर देंगे एंड एड ई एस और ई एस ऐड कर देंगे, वी को हटा एफ को हटा के ई राइट करेंगे, साथ में ई एस भी राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल काफ, काफ में देखिए एफ आया लास्ट में ना, तो एफ को हटा दिया गया है, एफ के स्थान पे वी ऐड कर दिया गया है और वी के साथ ई एस ऐड कर दिया गया, मीन्स काफ, काफ का काफ। ओके काफ मीन्स बछड़ा, काफ मीन्स बछड़े। वाइफ, वाइफ में देखिए लास्ट में एफ ई है ना? यस मैम। अगर एफ हो या एफ ई दोनों हो, चाहे एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे मीन्स वी के साथ, तो वहां पे एफ ई के प्लेस पे वी राइट करके ई एस ऐड कर दिया गया, मीन्स वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नियां। ओके यस मैम। क्या सभी को इतना समझ में आ गया जितना पढ़ाया गया? यस मैम। बोलोगे नहीं आप लोग ना? यस सर। आप लोग से पूछते हैं हम, आगे देखते हैं, लास्ट एक रूल और है यहाँ पे देख लेते हैं इसको।
However, some nouns do not follow any rule. फिर भी कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करते, मीन्स कोई रूल को अनुसरण नहीं करते, कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं. दे हैव देयर ओन प्यूरल फॉर्म. उसका अपना अलग ही प्यूरल फॉर्म होता है, मीन्स उसका प्यूरल फॉर्म चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर में मैन, मैन का प्यूरल फॉर्म मैन हो जाएगा, ना ही कोई रूल इसमें लगा हुआ है. देखिए मैन का मैन हो जाएगा. माउस का क्या होता है? माउसेस नहीं होगा, माइस होता है. माउस रॉन्ग हो जाएगा बेटा. माइस मीन्स चूहा होगा, सॉरी माउस मीन्स चूहा होगा, माइस मीन्स चूहों का समूह. अगर ढेर सारे चूहे हैं तो माइस बोलेंगे हम. क्या बोलेंगे? माइस बोलेंगे. माउसेस रॉन्ग हो जाएगा, माउसेस मत बोलना. माइस का माउस का माइस माइस होता है, माउसेस नहीं होगा. माउस का माइस, मैन का मैन, चाइल्ड का चाइल्ड भी बच्चा होता है. एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलेंगे. कई सारे बच्चे हैं, तुम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन बोलेंगे. इतना ध्यान देना, चिल्ड्रन में एस नहीं लगेगा. चिल्ड्रन नहीं होता, चिल्ड्रन होता है. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन. देन फूट, फूट का क्या होगा? फीट होगा. फीट, फीट. गूज का टूथ का टीथ. अगर एक दांत है टूथ बोलेंगे, अगर सब दांत मिला के हम टीथ बोलेंगे उसको, ठीक है? टूथ का टीथ होता है. देन ऑक्स का मैम ऑक्सन. ऑक्सेज यहाँ पे आप एस देख के ऑक्सेज बोले कि ऑक्सेज नहीं होगा. ऑक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्सेज नहीं होगा. ऑक्स का ऑक्सन होता है. ओके आगे विजन का विजन ही होगा. यहाँ पे इसका कोई रूल चेंज नहीं होगा. यस मैम. देन डियर का डियर होगा, इसका भी नहीं चेंज होगा. डियर का डियर ही हो जाएगा. सीप का सीप ही होगा. वुमेन का वुमेन, वुमेन का वुमेन हो जाएगा. ओके एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा. अब आज का होमवर्क आपके लिए है मैच द सिंगुलर नाउन्स विद द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म से मैच करना, जो कि आप लोग मैच कर सकते हो इसे. जिसके पास बुक नहीं होगी नोटबुक में राइट करके सेंड करेंगे. यहाँ पे कैट लिखा हुआ है. कैट का क्या होगा प्लूरल फॉर्म? देखिए यहाँ पे मैम कैट्स. कैट का किटी. कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं किटी लिखा हुआ है? उसके बेबी का नेम नहीं पूछ रहे आपको. इसका प्लूरल फॉर्म में मैच करना, मिस कैट का कैट्स होगा. बिल्ली का बिल्लियां होता है कि बिल्लियों होगा? मैम बिल्लियों नहीं बोलते, बिल्ली का बिल्लियां. देन बॉय का क्या होगा? लड़का का लड़की. ओके ड्रेस का क्या होगा? मैन ड्रेसेस. ड्रेसेस. फैमिली का फैमिलीज. गेम का गेम्स. बॉक्स का बॉक्सेस. बॉक्सेस. हैंड का हैंड. हैंड. स्टोरी का स्टोरी. ओके सब लोग उसको मैच कर लेंगे. मैच करने के बाद अपने वर्क की फोटो सेंड कर देंगे. सिद्धेश आवाज आ रही है ना? आर्यन, स्वाति, अमित, सॉरी अमन गुप्ता वीडियो ऑन करिए. नेक्स्ट नंबर सेकंड देखिए. Write the singular and plural form of these objects. इसको आपको कल कंप्लीट करके सेंड करना रहेगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इन सभी का नेम आपको लिखना है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, ठीक है? यस मैम. नहीं बग यहीं पे आ जाएगा बेटा नोटबुक में. नहीं आपको इसी नोटबुक में, अगर इसलिए यहाँ पे नहीं तो नोटबुक में राइट कर सकते हो.
एक साइड में आप सिंगुलर नाउन लिखना, एक साइड में प्लूरल नाउन लिखना, इसी पिक्चर को देखते हुए लिखना आपको। जैसे यहाँ पे ग्लव है, ग्लव का क्या होगा? की का क्या होगा? की होगा। टेबल का? टेबल। ऐसे जितने पिक्चर बने हुए हैं सभी पिक्चर का नेम आपको एक साइड में लिखना है सिंगुलर नाउन में, एक साइड में प्लूरल नाउन में लिखना है। इसको भी आज ही करना है, फर्स्ट सेकंड आज करना, बाकी थर्ड आप कल कंप्लीट कर लेना। ओके तो सभी को फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अभी कंप्लीट करके सेंड करने हैं, सभी को सेंड करना है। किसी को पूछना है कुछ? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। मेरा यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे क्लिप है, ये क्या है? ये मैम क्लिप, 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 सी एल आई पी क्लिप। यहाँ पे क्लिप का क्लिप होगा। क्लिप बेटा जो यहाँ पे लगाते हेयर में, क्लिप वही है ये, ठीक है? क्लिप का क्लिप्स होगा। पैन का? मैम पैन होगा। ये क्या है बेटा? स्ट्रॉबेरी है ना? यस मैम। स्ट्रॉबेरी होगा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज होगा। आई एस लिखेंगे वाई हटा के। नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है ये मैम? मैम पिक्चर्स, पिक्चर है, पिक्चर्स कर देना इस टाइम। फोटो, फोटो और फोटोज कर देना, फोटो ओवर। देन यहाँ पे देखिए ये आपका टेंट है, टेंट का टेंट्स होगा, बुक का बुक। ये है क्रियान कलर है ना, क्रियान का क्रियांस होगा, क्रियान का क्रियांस। ये क्या है अपने ऊपर है, ये रूरल्स होगा इसका, जो आप स्केल बोलते हो। मैम स्केल, यस मैम। तो आप इसे कंप्लीट करके सेंड करेंगे अभी सभी लोग, ओके? क्या होगा? क्या बेटा? मैम स्केल स्केल होगा, इंग्लिश क्या होगा मैम? जो मैम स्केल, लेस नहीं रहा, ER होगा, ठीक है? रूरल, यहाँ पे S लगा देंगे, रूरल्स हो जाएगा, ठीक है? Yes ma'am। ओके तो सभी लोग कंप्लीट करके सेंड करेंगे जितना करवाए गए आज। ओके गुड बाय, गुड बाय, बाय बेटा, गुड